आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 के सॉल्यूशन को देखेंगे। मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन दूंगा एक्सरसाइज 6 का, और फिर उसके बाद देखेंगे कुछ लोगों को हम शाउट आउट देंगे। एक्सरसाइज 6 जिन लोगों ने करी है उनको, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अब टाइम आ चुका है एक्सरसाइज नंबर, कौन सा एक्सरसाइज नंबर था ये भी देख लेते हैं, जिसमें मैंने आपको टू डू लिस्ट दिया था। तो मैं क्या करता हूँ ना, अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ सीधे यहाँ पर, और प्रोफाइल खोल के, प्रोफाइल नाम सुन के ऐसा लगता है इंस्टाग्राम की खुल रही है प्रोफाइल, नहीं यार यहाँ पर रैपलेट की खुलती है प्रोफाइल, बस रैपलेट की खुलेगी, गिटहब की खुलेगी। ठीक है, इस चैनल पे यहाँ पर हम एक्सरसाइज नंबर 6 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, और काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज है, तो सबसे पहले तो यार इसी को खोलता हूँ। और एक्सरसाइज 6 के लिए एक नई रैपल बनाते हैं, HTML CSS JavaScript, और ये है हमारा 84th वीडियो, और मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सरसाइज 6 _solution। और यार लोग यार बुरा मानते हैं कि यार हमें शाउट आउट नहीं दिया, और यार देखो इतनी सारी रैपल्स में से मैं अगर सबको सबका नाम लेने बैठ गया अगर तो दिक्कत होगी, ठीक है, कोर्स भी अच्छा नहीं चलेगा। तो मैं इसलिए टॉप रैपल का जो नाम है वो ले लेता हूँ। तो आप लोग को अगर चाहिए कि आपका नाम लिया जाए तो आप जल्दी कोशिश करो बनाने की, और मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या थी एक्सरसाइज 6। आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग योर टू डूज़ इन लोकल स्टोरेज। आपके जो टू डूज़ हैं वो लोकल स्टोरेज में आने चाहिए, और आपके पास ऑप्शन होना चाहिए क्रिएट करने का, डिलीट करने का, और उनको एक्सेस करने का। ठीक है, अब आप लोग कितना भी अच्छा UI बना लो, जितना टाइम लगाओगे उतना बढ़िया रहेगा, लेकिन मैं बनाने वाला हूँ उसको बहुत शॉर्टकट तरीके से। तो टू डू लिस्ट कोड वगैरह, अब यार देखो इसको बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है। आप क्लिक लिसनर्स लगा लो, आप यार इवेंट लिसनर्स लगा लो जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट्स के लिए लिसन कर रहे हैं, तब तो बहुत ही खतरनाक बन जाएगी ऐप। आप ड्रैग करोगे एक तरफ, ड्रॉप करोगे कि भाई डन टू डूज़ और पेंडिंग टू डूज़, डूइंग टू डूज़, उस तरह की ट्रैक एंड ड्रॉप लिस्ट, ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया होगा। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लेने वाले हैं, और मैं शॉर्टकट से याद आया कि मैं getbootstrap.com पर क्यों ना जाऊँ, और क्यों ना मैं 4.6.x जो है वो इस्तेमाल करूँ। उसका रीज़न ये है कि नंबर 1, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ वर्जन 4 बूटस्ट्रैप का, वर्जन 5 पे उतना काम नहीं किया, क्योंकि मुझे कस्टम UI ज़्यादा बनाने होते हैं तो मैं रॉ CSS लिखता हूँ। बट अगेन मैंने बूटस्ट्रैप 5 भी काफ़ी यूज़ किया, बट अगेन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप 4 क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स को छापना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, तो इफ़ यू आर अ कॉपी पेस्ट गाय लाइक मी, मतलब देखो कॉपी पेस्ट गाय कोई बुरी चीज़ नहीं है, सबसे पहले ये क्लियर कर दूँ आप लोगों को। अगर आपको क्विकली कोई चीज़ बनानी है और आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, तो उसको स्मार्ट कहते हैं। ठीक है, उसको स्मार्ट कहते हैं। आप अपना पूरा दिन लगा के टू डू लिस्ट बना रहे हो या एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो जो कि शायद किसी ने ऑलरेडी बना रखी है इस दुनिया में, तो यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। आप पूरा दिन लगा के, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मतलब आप उसी टाइम को बचा के कुछ और कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ सब्जेक्टिव है, मुझे पता है कुछ लोग जस्ट प्रैक्टिस के लिए करते हैं कुछ लोग, बट मेरे जैसे इंसान के लिए क्या है कि मैं जब कोई भी चीज़ बना रहा हूँ तो मैं, मुझे टाइम बचाना होता है यार अपना। मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ, ये नैव बार मेरा ऊपर आ गया, नैव बार की जगह मैं टू डू लिख दूंगा। अब देखो यार आप लोग लिंक्स वगैरह अपडेट कर लेना, मैं एक एक लिंक ऊपर से जो है अपडेट करने नहीं बैठ रहा हूँ। ठीक है, चलो कर ही देता हूँ यार, नहीं तो कमेंट तो आनी है कि यार आपने लिंक अपडेट आपको करना नहीं आता इसलिए आपने नहीं करा। तो यार इस तरह कमेंट से बचने हेतु मैं क्या करूँगा, ये होम हो गया, यहाँ पर एक अबाउट लिख दूंगा और ये डिसेबल वाला बटन हटा देता हूँ। ठीक है, तो यार अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर एक मिनिमल सा UI बनाऊंगा और मैं कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर देखता हूँ कि यार क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर बैजेस यूज़ कर सकता हूँ, नई मीडिया ऑब्जेक्ट क्या था, हाँ मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, और मैं डन डूइंग और इस तरह से टू डूज जो है वो लगा सकता हूँ। लेकिन मैं ना बड़ी बेसिक सी चीज़ यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि टू डू लिस्ट डायरेक्टली यहाँ पर लिख ही देता हूँ सारे। ठीक है, तो मैं, मुझे जावास्क्रिप्ट डेफिनेटली लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो एक फॉर्म मुझे बेसिक सा चाहिए, तो जो मेरा फॉर्म है, फॉर्म यहाँ सर्च कर लेते हैं यार, मैं फॉर्म्स में जाकर एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्म लेकर आऊँगा। ठीक है, मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा div क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर, और यहाँ पर जो है मैं ये जो फॉर्म है इसको डाल दूँगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास इज इक्वल टू कंटेनर के अंदर इसको डाल दूंगा, और जैसे ही मैं इसको क्लास इज इक्वल टू कंटेनर के अंदर डालूंगा ये सेंटर हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो टू डू है उसका लिखूँगा अपना, मान लो टाइटल और टू डू डिस्क्रिप्शन,
टू डू डिस्क्रिप्शन लिखूंगा, और टू डू का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मैं यहाँ पर भी डी ई एस सी लिख देता हूँ, यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर डी ई एस सी लिख देता हूँ, यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ, और ये सब करने के बाद यहाँ पर भी मैं टाइटल लिख देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ यहाँ से। और अभी इसमें आईडी टाइटल दे दिया मैंने, इसमें आईडी डी ई एस सी दे दिया मैंने, ठीक है। अब इस पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस पर एक आईडी डालूंगा, आईडी इज इक्वल टू सबमिट डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा सबमिट डॉट ऑन क्लिक, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर और इवेंट एक क्लिक, और किस पर लगाऊंगा, ये मैं सबमिट पर लगाऊंगा ना कि डॉक्यूमेंट पर, ठीक है। मैं कहूँगा सबमिट डॉट एड इवेंट लिस्नर, इस पर कोई भी क्लिक करे अगर तो ई मिलेगा कुछ इस तरह से, और अभी के लिए हम कंसोल डॉट लॉग ई ही करेंगे, ठीक है। इसको रिलोड करके आप लोग को दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे ही सबमिट करूँगा देखो ये रिलोड हो जा रहा है। तो मुझे करना पड़ेगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से क्या होता है कि अगर आपका जो पेज है वो रीलोड होने वाला है तो वो रीलोड नहीं होगा, तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चेंज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये मैं करूँगा और रीलोड करूँगा इसको इस बार और सबमिट करूँगा। देखो यहाँ पर पॉइंटर इवेंट आ रहा है कुछ इस तरह से, और अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर कह सकता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और मैं कह सकता हूँ टू डू को सेट कर दो टू टाइटल कॉमा डी ई एस सी। नाउ व्हाट इज टाइटल एंड व्हाट इज डी ई एस सी, टाइटल इज इक्वल टू टाइटल डॉट वैल्यू, और लेट डी ई एस सी इज इक्वल टू डी ई एस सी डॉट वैल्यू। डी ई एस सी और टाइटल जो है वो आई डीज है, तो मैं यहाँ पर एक सी लगा देता हूँ, सी फॉर कॉन्टेंट, टाइटल का कॉन्टेंट क्या है, डी ई एस सी का कॉन्टेंट क्या है। नाउ टाइटल और डी ई एस सी क्या है, मैंने आई डी लगा रखी है, आप देख सकते हो आई डी इज इक्वल टू टाइटल और आई डी इज इक्वल टू डी ई एस सी, तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। मान लो मैंने लिखा यहाँ पर 12, यहाँ पर लिखा 12, इसके बाद सबमिट किया, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी एप्लीकेशन की लोकल स्टोरेज में क्या ये आया कि नहीं। मैं रिलोड करूँगा तो ये नहीं आया, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नहीं चला, तो मुझे देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। टू डू तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई को रन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारी ये होती है लोकल स्टोरेज होती है उसमें आप सिर्फ स्ट्रिंग डाल सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर 34 लिखा, सबमिट किया, एक मिनट यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, ये कह रहा है कि ईमेल है आपका टाइप, तो इसको भी टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत हो ना। यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा, यहाँ पर डी ई एस सी लिखा, सबमिट किया, क्या मेरी लोकल स्टोरेज में आया टाइटल डी ई एस सी, आ गया, आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग के तौर पर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमारा टू डू जो है वो सेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं डिलीट बटन एक बनाऊंगा और नीचे अपने टू डू को डिस्प्ले करूंगा, ठीक है। तो सबमिट के साथ साथ एक बटन बनाऊंगा मैं डिलीट। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने एक और ये चेक मी आउट वाला जो रखा हुआ है इसको मैं हटाना चाहता हूँ, और मैं इसको ना रेप्लीकेट करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिलीट, और मैं बहुत ही रफली बना रहा हूँ, जस्ट ये सोच के बना रहा हूँ कि मुझे आपको जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट जो है सिखाने, और ये टाइप इज इक्वल टू सबमिट यहाँ से हटाना चाहूँगा, और मैं सिंपली यहाँ पर डिलीट पे भी लगाऊंगा। मैं कहूँगा डिलीट डॉट एड इवेंट लिस्नर, पूरा का पूरा कॉपी करूँगा इस चीज़ को, बस मैं एड इवेंट लिस्नर जो डिलीट पर लगाऊँगा वो क्या करेगा, वो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम टू डू, ठीक है। अच्छा, डिलीट को मैं डिलीट बी टी एन रीनेम कर रहा हूँ, क्योंकि डिलीट जो है जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड होता है, तो मैं डिलीट बी टी एन जो है इसको रीनेम कर रहा हूँ। रीलोड करूँगा इसको, और यहाँ पर आप लोग देखो टाइटल डी एस सी सबमिट किया, ये आ गया यहाँ पर, और आप देखो लोकल स्टोरेज में आ गया टाइटल डी ई एस सी, डिलीट करूँगा चला गया यहाँ से, ठीक है। और मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर रीलोड भी हो रहा है मेरा पेज, तो मुझे यार ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये रीलोड नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टू डू है वो यहाँ पर शो हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक डिव बनाऊँगा विद आई डी ऑफ टू डू, div id is equal to to do करता हूँ, और इसके अंदर मेरे to do जो होगा मेरा वो शो होगा, ठीक है। तो मैं किस तरह से शो करूँगा, एक h1 के अंदर शो करूँगा इसका टाइटल, और h2 के अंदर शो करूँगा इसका जो कॉन्टेंट है वो, ठीक है। तो जैसे ही कोई सेट करेगा to do, मैं कहूँगा कि टाइटल डॉट इनर html is equal to, और मैं एक तो h1 से टाइटल डाल दूँगा, ठीक है। देखो मैं ज़्यादा फैंसी नहीं बना रहा हूँ ऐप को, ठीक है,
तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर H1 लिखूँगा और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लिखूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा डॉलर लगा के, क्या यहाँ पर डॉलर लगा के डाल दूँगा टाइटल सी, और यहाँ पर ऊपर डाल दूँगा, ऊपर डालूँगा इनफैक्ट टाइटल सी, और इधर डालूँगा DESCC, ठीक है, DESC का कंटेंट। तो अब मैं इसको रीलोड करूँगा, अगर तो मान लो मैंने यहाँ पर टी लिखा, यहाँ पर मान लो मैंने डी लिखा, सबमिट किया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, शायद ये रिलोड नहीं हुआ था सही से, सेव नहीं हुआ था रैपलेट पे, मैंने क्लिक किया लेकिन टाइटल के अंदर इनर एचटीएमएल में नहीं आया। ओके, मुझे टू डू डॉट इनर एचटीएमएल लिखना है, सॉरी टू डू थी ना आईडी, हाँ टू डू थी, ठीक है। तो मैं इसको रीलोड करूँगा अभी, और यहाँ पर मैंने टी लिखा, यहाँ पर डी लिखा, सबमिट किया, देखो टी और डी आ गया यहाँ पर, और मैं डिलीट करूँगा तो ये क्लियर हो जाना चाहिए था। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखूँगा, जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मैं टू डू डॉट इन एच टी एम एल इज इक्वल टू ब्लैंक कर दूँगा, ठीक है, ये करने से ये भी मिट जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये ऐप काम कर रही है ठीक से कि नहीं कर रही है। मैं इसको रीलोड करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा गो टू दी शॉप, और जाना है दुकान पे भाई, सबमिट, गो टू द शॉप, जाना है दुकान पे भाई, डिलीट कर दिया, और अगर दोबारा डालना चाहूँ तो दोबारा डाल दिया, डिलीट कर दिया, दोबारा डाल दिया, डिलीट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों भी खाली हो जाए तो इनकी वैल्यूज़ को आप खाली कर सकते हैं। आप कह सकते हैं टाइटल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक, और DESC डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या, ब्लैंक, ठीक है। जो अभी आप सबमिट करोगे तो ये वैल्यूज जो इनकी ब्लैंक हो जाएंगी। नाउ दिस इज़ नॉट द बेस्ट टू डू आउट देयर, बट दिस वर्क्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर मीटी एंड डेंजर लगा दूंगा ताकि डिलीट वाला बटन जो है वो रेड हो जाए। अब इसमें अगर मैं बैठ गया 1-2 घंटा तो इसको ऐसा बना दूंगा कि क्या बताऊँ कैसा बना दूंगा, ठीक है, इतना अच्छा बना दूंगा, बट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे देखने आपके रैपल अभी, ठीक है, आपकी रैपल्स भी देखनी है मुझे, और उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो कवर पेज में जाऊँगा और देखूंगा लोगों ने क्या क्या बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी रैपल्स हैं, तो 6 आरगो, 9 आरगो और 8 आरगो वाली रैपल मैं देखूंगा, और उसके बाद नीचे वाली भी देखूंगा। अब देखो यहाँ पर हेलो मैंने ऐड किया, और वाह वाह योर लिस्ट इज़ एडेड, ओ नाइस यार, ये लो नाइस यार भी आ गया। तो इन्होंने काफ़ी बढ़िया टू डू लिस्ट बनाई है यार, और ये चला भी गया ऑटोमेटिकली, इन्होंने सेट टाइम आउट का यूज़ किया हुआ है इसमें, ऑसम ऑसम ऑसम, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं इट इज़ अ सिंपल कॉपी पेस्ट ऑफ, यार ऐसे डीमोटिवेट मत करो यार किसी को, गलत बात है, ठीक है। मैं देखूँ तलाश शेख ने कौन सी रैपल बनाई है, मैं देखना चाहूँगा कि क्या इन्होंने रैपल बनाई है। तो यार तलाश शेख आपने तो रैपल बनाई नहीं है, 2 रैपल बना रखी है, जो बना रहा है उसको आप डीमोटिवेट कर रहे हो, गलत बात है यार, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए किसी को। ऐड यार ऐसे यूज़ मत करो, पता है ये अलर्ट वगैरह यूज़ मत करो क्योंकि अलर्ट ब्लॉक करती है आपके थ्रेड को, मेन थ्रेड को, वो नहीं करना है हमको, ठीक है। हे मैंने डाल दिया, डिलीट कर दूंगा यार, थोड़ी तो मेहनत करके थोड़ा इसको अच्छा कर लेते सौरभ भाई, बट कोई बात नहीं, गुड एफर्ट्स यार, बढ़िया, ठीक है। तो इसको मैं चलाता हूँ टू डू लिस्ट फॉर कोड, ये बढ़िया, ये कुछ है यार, देखो ऐड किया, हे नाइस, ठीक है। और ये इन्होंने क्रॉस भी बनाया हुआ है, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, सही है यार, काफ़ी बढ़िया। टेक्स्ट डालना यार यहाँ पर कि अभी कोई टू डूज़ नहीं है उस तरह का, ताकि ये ना लगे कि कोई बग आ गया एप्लीकेशन में, ठीक है। और अब मैं देना चाहूँगा शाउट आउट उन लोगों को जिन्होंने क्या किया है, ऑब्वियसली जिन्होंने रैपल बनाई है, और क्यों दूंगा मैं शाउट आउट, ग्रीन सॉक क्रॉश बनाए प्लीज़। अब यार यहाँ पर देखो सैन बिस्वास को शाउट आउट, तेषन वागले को शाउट आउट, क्लेवर हरे को शाउट आउट, सुबीर मंडल को शाउट आउट, अरुण खत्री का को शाउट आउट, सत्येंद्र कुमार को शाउट आउट, ये सारी रैपल्स मैं बहुत क्विकली देखूंगा। एंड ऑसम यार, मैं थोड़ा सा वन वन डाला, इन्होंने टाइम भी ऐड किया विच इज़ अमेजिंग, एंड इनका UI लुक्स क्लीन, वाओ वाओ, आई एम इम्प्रेस विद दिस UI ऑफ सैन बिस्वास। मैं बाकी लोगों को भी शाउट आउट दूंगा, हेलो वर्ल्ड, यार ये क्या है यार, त्रिशन वागले टू, ये मजाक मुझे पसंद नहीं आया, नेक्स्ट टाइम एक अच्छा जोक मारे, ठीक है। अब क्लेवर हरे, अरे क्लेवर हरे हरे ने ना इस टाइम पे जो है चेकमेट कर दिया सबको, बात कुछ यूं हो गई है, नहीं सच्ची में देखो ये क्या है, क्लेवर हरे ने चेकमेट दे दिया इस समय सबको। अब मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे बनाया, ठीक है, देखो जो प्रेजेंटेशन होती है ना, अब देखो भाई साहब, आई वॉन्ट टू लुक एट द कोड यार, आई वॉन्ट टू लुक एट द कोड यार, क्लेवर है ये तो, कमाल का UI है यार,
मैं देखना चाहता हूँ क्या यूज़ किया गया इसमें। इन्होंने यूनिकॉर्न्स यूज़ किया है और काफ़ी बढ़िया यार। और इन्होंने जावास्क्रिप्ट भी खुद की लिखी है, जावास्क्रिप्ट इन्होंने खुद की लिखी है और बहुत ही क्लीन लिखा है यार, मुझे काफ़ी सही लगा। और इन्होंने अपना यहाँ पर जो है, सही यार, मतलब काफ़ी बढ़िया, ठीक है, तो बहुत सही यार, बहुत सही, बहुत ही सही, आई एम इम्प्रेस्ड, ठीक है। और बाकी लोगों की भी टू डू लिस्ट देख लेते हैं, मैं यहाँ पर SDF नहीं ये भी लिख कर डालूंगा और मैं ये SDF डिलीट करूँगा, दिस लुक्स क्लीन एज वेल। तो यार आप लोग भी बनाए अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है। और मैं इसको सेव करूँगा, क्लिक हियर टू व्यू सेव टू डूज, ये क्या हुआ, नोट वन हाई रिफ्रेश पेज टू डिलीट, यार ये अच्छा डिज़ाइन नहीं है, रिफ्रेश पेज टू डिलीट ऐसे थोड़ी होता है कोई, मतलब तो वही बात हो गई, आप कह रहे हो कि यार रिफ्रेश कर लो ये कर लो, मतलब यूज़र कहेगा यार मुझे सीमलेस एक्सपीरियंस हो, बट नाइस ट्राई आरुण, आप इसको इम्प्रूव करो, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर एक्सरसाइज नंबर 6, आप लोग एक्सरसाइज नंबर 7 बहुत अच्छे से करना क्योंकि मज़ा आएगा आपको भी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।